गाइस, अगर आपका भी अकाउंट बैन हो गया है या फिर सस्पेंड हो गया है ना, तो इस वीडियो को वीडियो की तरह मत देखना, क्योंकि गाइस मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट आपको दिल पे लगने वाला है, ठीक है। और आप गाइस अगर मुझसे बड़े हो तो छोटा भाई समझ के वीडियो को देखना, और आप अगर मुझसे छोटा है तो बड़ा भाई समझ के देखना। गाइस ये मैं वीडियो में जो बताने वाला हूँ, सस्पेंड होने के बाद आपने बहुत बड़ा गलती, देखो पहले तो गलती हो ही गया, कोई हैक यूज किया था, कोई हैक नहीं यूज किया था, जिनका अकाउंट बैन हुआ है, सस्पेंड हुआ है 5 दिन के लिए, जो भी हो, आप लोग को बहुत बड़ा मिस्टेक करे हो। क्या मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए, एंड आप लोग सस्पेंड जो है कौन हटा सकता है, कौन बैक ला सकता है, सारे कुछ आपको हम बताएंगे। तो देखो यार, मैं अगर YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा लाइक करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि रीच वगैरह मिलता है, तो आप लोग लाइक कर दो तो अच्छा रहेगा, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो। देखो मैं आपका इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहता हूँ, क्योंकि फ्री फायर के अभी यूट्यूबर लोग इतना बड़ा गलती कर रहे हैं यार, और उसका साथ साथ आप लोग भी। मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी को नहीं करना है। देखो पहला, सबसे पहला तो यार जो अभी मिस्टेक कर रहे हो ना आप लोग, जैसे आपका अकाउंट अगर बैन वगैरह हो रहा है तो आप लोग YouTube पे ढेर सारा वीडियो देख रहे हो, और वीडियो में यार हाउ टू अनबैन YouTube पे वीडियो जाकर देखो, जो फर्स्ट में या सेकेंड में या थर्ड में जो भी अभी वीडियो आ रहा ना, मैंने देखा यार, उन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया है, इंस्टाग्राम प्रमोशन करवाया है। गाइस सबसे पहला गलती तो यार आप लोग ना ऐसा यूट्यूबर को देखना छोड़ दो जो बोल रहा है कि फॉर्म भरो, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तब जाकर के आपका अकाउंट अनबैन होगा। देखो अगर उतना वो करवा सकता है ना, तो आज वो यूट्यूब पे नहीं होता, कहीं और होता, ठीक है। इसलिए भाई लोग सबसे पहला गलती तो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखना छोड़ दो। एंड दूसरा सबसे बड़ा गलती वो है भाई लोग कि आप लोग अपना अकाउंट में, जैसे कि काफी लोग यहाँ पे 40,000-50,000 अपने अकाउंट में लगाए हैं, और कोई भी 400-500 रुपये मांग रहा है कि अनबैन में करवा दूंगा, मुझे दे दो अकाउंट, दे दो आईडी पासवर्ड दे दो, तो देखो ये दूसरा बहुत बड़ा गलती है। पता है क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आपका अकाउंट कुछ रीजन से बैन हुआ है या फिर कोई रीजन वगैरह से नहीं हुआ, तो आज नहीं कल आपका अनबैन तो होना ही है, सस्पेंडेड है, वो हट जाएगा, और उसका बाद कैसे वो नहीं कुछ करने वाला है। उसका बाद जो आपका आईडी पासवर्ड उसका पास सेव है, जो भी आपका आईडी पासवर्ड मांग रहा है सेव है, और उन्हें पता है, वो आपसे पहले तो पूछेगा कि आप कौन सा हैक किया है, और उसको पता है कि इस हैक कारण इतना दिन बाद अनबैन हो जाता है, और आपको तो लगेगा कि आईडी तो चला गया और आप छोड़ दोगे लॉगिन वगैरह करने के लिए, और फिर उसका पास एक अच्छा खासा कलेक्शन वाला अकाउंट हो जाएगा। इसलिए दूसरा सबसे बड़ा गलती, किसी को आईडी पासवर्ड मत दो किसी को कुछ जाने हुए। यहां तक मैं अपना पर्सनली बता रहा हूं, काफी लोग क्या, मेरा 130,000 उस वीडियो में व्यूज आया, और काफी लोग मुझे यहां पर मैसेज किए इंस्टाग्राम पे, मैं सबसे बात किया। मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो को, वीडियो एक क्लिप में आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देख सकते हो, मैं सभी से बात किया, क्योंकि आपका इमोशन साथ मुझे नहीं खेलना भाई लोग। आपका मैं आईडी पासवर्ड तभी लूंगा ना जब वो अनबैन होगा। अब देखो अनबैन होने के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, बहुत बड़ा एक काम करना पड़ता है तभी जाके अनबैन होगा। अब उसका बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन जो जो चीज आपको पहले तो नहीं करना चाहिए वो आपको सबसे पहले जान लेना है। पहला तो ज्यादातर वीडियो देखना छोड़ दो, क्योंकि आपको तो पता ही ना भाई लोग, जितना जो भी परेशानी के बारे में आप सोचते रहोगे उतना ज्यादा और बढ़ेगा। एक तो आपका अकाउंट चला गया, और दूसरा में भाई लोग यहाँ पर सभी लोग सजेशन ये दे रहे, वो दे रहे, ये करो वो करो, मैं लिख के बता रहा हूँ, किसी का भी हाथ में नहीं है आपका बैन अनबैन करवाना, ठीक है। क्या करना पड़ता है आपको मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले अनबैन के लिए आपका कौन कौन सा, जैसे कि कुछ लोग यूज किए थे स्क्रिप्ट, यूज किए थे हेडसेट, यूज किए थे कुछ लोग DPI, कुछ तो बोल रहे मुझे DPI से बैन हुआ, और कल का बता रहा हूँ, कल तो जो जो हैकर साथ मैच मेकिंग किया है, मतलब अपना स्क्वाड में लेके खेला है, या फिर सामने वाले बंदे के साथ भी अगर खेला है, तो उनका भी अकाउंट सस्पेंड हो रहा है भाई लोग। मतलब ऐसा भी है, मतलब फ्री फायर कर सकता है, तो हम रीजन जाते हैं आखिर ये क्यों हो रहा। सबसे पहला तो ये आप सभी को पता होगा, FFIC 2022 का टूर्नामेंट आने वाला, और आपको मालूम होगा टूर्नामेंट में हैकर को कैसे बैन किया जाता है, एक भी हैकर नहीं आना चाहिए गलती से भी। उसी कारण भाई लोग अभी फ्री फायर बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा कदम उठा रहा है। तो ये तो आप पहले क्लियर हो जाओ कि अगर आपका कोई भी बिना रीजन के अकाउंट सस्पेंड हुआ है, कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा था कि 5 दिन के लिए हुआ, कुछ लोगों का तो डिवाइस बैन तक हो गया है, तो मुझे पहले तो आप कमेंट करके बताओ कि आपने कौन सा हैक यूज किया था। उसका बाद में आप सभी को बताऊंगा कि आपका अकाउंट कब तक और कितने दिनों में अनबैन होगा अगर सस्पेंड। अब बात करते हैं सस्पेंड को लेके, देखो सस्पेंड हुआ है, बैन नहीं, ठीक है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा ना, सस्पेंड कुछ दिनों के लिए होता है और वो आपका हट ही जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ आपने गलतियां क्या होगा तो उसके लिए कुछ बड़ा सजा मिलेगा, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यहां तक फ्री फायर को भी पता नहीं वो कब हटेगा,
रहेगा, ठीक है। और दूसरा, बेन अगर हुआ है तो बेन आपको पता होगा, बेन तभी होता है जब आपका कोई गलती होता है, और आपको कोई गलती नहीं होगा तो वो होगा सस्पेंड, और सस्पेंड आपका हट जाता है कुछ ही दिनों में। मैं आपको यहाँ पर कोई भी टाइमिंग वगैरह नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई श्योर नहीं है भाई लोग। अगर आप लिटरली अपने अकाउंट में 4 लाख 5 लाख इतना इतना खर्चा कर चुके हो, फिर भी आपका अकाउंट मतलब बैन हो गया बिना कोई रीजन का, तो आप वापस ला सकते हो। वो कैसे पता है? आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा फ्री फायर का मॉडरेटर से, फ्री फायर के मॉडरेटर से आपका कॉन्टेक्ट कैसे होगा, फ्री फायर का पांडा प्रोग्राम का यूट्यूबर से, फ्री फायर का पांडा प्रोग्राम से आपका कॉन्टेक्ट कैसे होगा। अगर आपका उतना उतना अकाउंट होगा तो गाइस आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते थे, यानी कि आपका तो अकाउंट अभी सस्पेंड हो गया, आपको किसी के थ्रू बात करना पड़ेगा, यूट्यूबर के दोस्त होता है सारे लोग। मेरा फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे यूट्यूबर है जो कि पांडा प्रोग्राम का मॉडरेटर है, उनसे मैं बहुत कोशिश किया बात करने की कि पूछो गरीना तरफ से क्या है सस्पेंड को लेके, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया है वेट। अब वेट से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या वेट वेट बता रहे हैं, अनबेन होगा या फिर और बेन होगा, कल रात से और भी ज़्यादा बेन हो रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो हैकर से तो सभी लोग परेशान हैं, हैकर करते करते यार लोग खुद हैक यूज करने लगते हैं। तो आप मतलब हैक यूज किए थे तो कैसे आपका अकाउंट तो सस्पेंड हो गया है, जो कि 90 दिन तक आपका सस्पेंडेड रहता है हर अकाउंट में। और नहीं कुछ किए हो तो भाई लोग, ये FFIC का जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है ना, उसमें कैसे आपको ये टूर्नामेंट तक वेट करना पड़ेगा। FFIC 2022 टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल 10 अप्रैल को होने वाला है, तो गाइस अभी तक ये हैक लो जो सिस्टम है उसका गाइस अभी ये नतीजा चलने वाला अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल तक तो आप एकदम हैकर से बच के रहोगे। यानी कि आपका अकाउंट अगर सस्पेंड हुआ है बैन हुआ है तो गाइस आपका अप्रैल तक अभी टाइम है, तभी जाके अनबैन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी फॉर्म वगैरह है, हेल्प सेंटर वगैरह है, कुछ भी अब यहाँ पे फॉर्म फिल कर दो, लेकिन आपका अनबैन नहीं होने वाला है। आप लोग को सबसे पहले जो करना है वो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है, टेंशन मत लेना, और आप लोग वेट करना। देखो 5 दिन के लिए जो भी किया है तो आप लोग 5 दिन के बाद अनबैन हो जाएगा। यहाँ तक मैं पहले भी आप सभी को बताया था कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन भाई जो आईडी है ना, जो फ्री फायर का आईडी है, इसका सिर्फ आप ओनर हो, ना आपका घर वाले है, ना आपका परिवार है, और ना ही भाई दोस्त वगैरह है। इसलिए मतलब आईडी को जो प्रॉब्लम होता है, जो टेंशन होता है, वो सिर्फ आपका ही है, ठीक है। तो अगर आप दोस्त को बताओगे तो भाई लोग, अगर उसका अकाउंट कम था तो भाई मतलब लेवल अगर कम था तो वो तो अंदर अंदर मजे ही लेंगे, अगर आप परिवार को बताएंगे तो परिवार वाले तो ऐसी यार खुशी होने वाला है, क्योंकि अच्छा होगा आप गेम छोड़ दोगे। इसलिए जो ये है जो फ्री फायर का आईडी का जो टेंशन है वो सिर्फ आप ही का है, और ये चीज़ मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। इसलिए भाई लोग इसका रिलेटेड जो भी आगे न्यूज़ मिलेगा मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। पहला गलती तो आप लोग किसी को पैसा पे मत करना, भूल से भी पे मत करना, यहां तक कोई भी हो आईडी पासवर्ड मत देना, पैसा मत देना, और बस आपको वेट करते रहना है, सस्पेंडेड बहुत जल्द हटने वाला है, ठीक है भाई लोग। आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश किया और आपने मेरे बातों को समझा होगा। तो प्लीज अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और कुछ डाउट वगैरह होगा वीडियो में मैंने कुछ गलत वगैरह बता दिया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आगे चल के सुधारने की कोशिश करूंगा। और गाइस अगर आपको मतलब पसंद आए तो लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा सा रीच वगैरह बढ़ता है। सब्सक्राइब कर लेना यार, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।